यहोशु अध्याय आठ यहोशु अध्याय आठ ए नगर का ले लिया जाना। तब यहोवा ने यहोशु से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत सबको तेरे वश में कर दिया है, और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया वैसा ही ए और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे, इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। सो यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ए पर चढ़ाई करने की तैयारी की, और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुनकर रात को आज्ञा देकर भेजा और उनको यह आज्ञा दी कि सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाए बैठे रहना, नगर से बहुत दूर न जाना और सबके सब तैयार रहना, और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा, और जब वे पहले की नाई हमारा सामना करने को निकले तब हम उनके आगे से भाग खड़े होंगे। तब वे यह सोचेंगे कि वे पहले के भांति हमारे सामने से भाग जाते हैं, हमारा पीछा करेंगे। इस प्रकार हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर निकाल ले जाएंगे। तब तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा, और जब नगर को ले लो तब उसमें आग लगाकर फूंक देना, यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना। सुनो, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। तब यहोशू ने उनको भेज दिया और वे घात में बैठने को चले गए और बेतेल और ए के मध्य में और ए की पश्चिम की ओर बैठे रहे, परंतु यहोशू उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। बिहान को यहोशू सवेरे उठा और लोगों की गिनती लेकर इसराइली वृद्ध लोगों समेत लोगों के आगे आगे के लिए ए की ओर चला, और उसके संग के सब योद्धा चढ़ गए और ए नगर के निकट पहुंचकर उसके सामने उत्तर की ओर डेरे डाल दिए, और उनके और ए के बीच एक तराई थी। तब उसने कोई 5,000 पुरुष चुनकर बेतेल और ए के मध्य नगर की पश्चिम की ओर उनको घात में बैठा दिया, और जब लोगों ने नगर की उत्तर और की सेना को और उसकी पश्चिम और घात में बैठे हुओं को भी ठिकाने पर कर दिया, तब यहोशू उसी रात तराई के बीच गया। जब ए के राजा ने यह देखा तब वे फुर्ती करके सवेरे उठे, और राजा अपनी सारी प्रजा को लेकर इसराइलियों के सामने उनसे लड़ने को निकलकर ठहराए हुए स्थान पर जो अराबा के सामने पहुंचा है, और वह नहीं जानता था कि नगर की पिछली ओर लोग घात लगाए बैठे हैं। तब यहोशू और सब इसराइली उनसे मानो हार मानकर जंगल का मार्ग लेकर भाग निकले। तब नगर के सब लोग इसराइलियों का पीछा करने को पुकार पुकार के बुलाए हुए, और वे यहोशू का पीछा करते हुए नगर से दूर निकल गए, और न ए में और न बेतल में कोई पुरुष रह गया जो इसराइलियों का पीछा करने को न गया हो, और उन्होंने नगर को खुला छोड़कर इसराइलियों का पीछा किया। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बर्छा ए की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। और यहोशू ने अपने हाथ के बर्छे को नगर की ओर बढ़ाया। उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे वे झटपट अपने स्थान से उठे और दौड़कर नगर में उन्होंने प्रवेश किया और उसको ले लिया और झटपट उसमें आग लगा दी। जब एक लोगों ने पीछे की ओर फिरकर दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का धुआं आकाश की ओर उठ रहा है, और उन्होंने न तो इधर भागने की शक्ति रखी और न उधर भागने की। जो और लोग जंगल की ओर भाग जाते थे वह फिरकर अपने खदेड़ने वालों पर टूट पड़े। जब
यहोशू और सब इसराइलियों ने देखा कि घातियों के नगर को घेर लिया है और उसका धुआं उठ रहा है, तब घूमकर एक के पुरुषों को मारने लगे और उनका सामना करने को दूसरे भी नगर से निकल आए, सो वे इसराइलियों के बीच में पड़ गए। कुछ इसराइली तो उनके आगे और कुछ उनके पीछे थे, सो उन्होंने उनको यहां तक मार डाला कि उनमें से न तो कोई बचने और न भागने पाया, और एक राजा को वे जीवित पकड़कर यहोशू के पास ले आए। और जब इसराइली एक के सब निवासियों को मैदान में अर्थात उस जंगल में जहां उन्होंने उनका पीछा किया था घात कर चुके और वे सबके सब तलवार से मारे गए, यहां तक कि उनका अंत ही हो गया, तब सब इसराइलियों ने एक को लौटकर उसे भी तलवार से मार डाला, और स्त्री पुरुष सब मिलकर जो उस दिन मारे गए वे 12,000 थे और एक के सब पुरुष इतने ही थे, क्योंकि जब तक यहोशू ने एक के सब निवासियों को सत्यानाश न कर डाला तब तक उसने अपना हाथ जिससे बर्छा बढ़ाया था फिर न खींचा, और यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोशू को दी थी इसराइलियों ने पशु आदि नगर की लूट अपनी कर ली। तब यहोशू ने एक को फुकवा दिया और उसे सदा के लिए खंडहर कर दिया, वह आज तक उजड़ा पड़ा है, और एक राजा को उसने सांच तक वृक्ष पर लटका रखा, और सूर्य डूबते डूबते यहोशू की आज्ञा से उसकी लोथ वृक्ष पर से उतरवाकर नगर के फाटक के सामने डाल दी गई और उस पर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया गया जो आज तक बना है। तब यहोशू ने इसराइल के यहोवा परमेश्वर के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाई, जैसा यहोवा के दास मूसा ने इसराइलियों को आज्ञा दी थी, और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनाई जिस पर औजार नहीं चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाए और मेल बलि किए। उसी स्थान पर यहोशू ने इसराइलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई, और वे क्या देशी क्या परदेशी सारे इसराइली अपने वृद्ध लोगों सरदारों और न्यायियों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवीय याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए, अर्थात आधे लोग तो गिरिजम पर्वत के और आधे लोग एबाल पर्वत के सामने खड़े हुए, जैसा कि यहोवा के दास मूसा ने पहले से आज्ञा दी थी इसराइल की प्रजा को आशीर्वाद दिए जाए। उसके बाद उसने आशीष और शाप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वैसे वैसे पढ़ पढ़कर सुना दिए। जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इसराइल की सारी सभा और स्त्रियों और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर न सुनाई।